तिराही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जी हाँ, इसी जुनून के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या होता है। पिछले सभी वीडियोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हर एक प्रकार के ट्रांसलेशन को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए सब कुछ आपको बताया जा चुका है। सिंपल से लेकर के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सब्जेक्ट, जितने भी रिलेटेड नाउन है, हर एक प्रकार के जितने भी कंफ्यूजन थे वो सब कुछ दूर हो चुके हैं। अब इसके आगे एडवांस लेवल पे पढ़ना है कि यूज कहाँ कहाँ होता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किस किस कंडीशन में किया जाता है, वही लेकर के आज मैं आया हूँ आपके पास। तो फर्स्ट है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है वो हैबिचुअल, हैबिचुअल की बात किया जाए तो आदत बताने वाला जो होता है, यानी कि हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं उसमें यूज हो सकता है। किसी को रेगुलर एक्शन यानी नियमित जो काम हो रहा है ना, वो नियमित कार्य जो हो रहा है ऐसे एक्शन को बताने के लिए, और रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन मीन्स एक नियमित अंतर से जो कार्य दोहराए जाते हैं ना, एक नियमित अंतर से जो कार्य दोहराए जाते हैं पर डे होते हैं ऐसे एक्शन, यानी तीनों को हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। तो कौन कौन से ऐसे होते हैं एक्शन जो हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो आपके सामने यहाँ एग्जांपल है, सी गोज टू बेड एट 9 PM। सी गोज माने वो जाती है, टू बेड मीन्स बेड पर यानी कि सोने के लिए, एट 9 PM मीन्स 9 बजे रात। इस सेंटेंस से आपको दिख रहा होगा कि जो ये जो सी सब्जेक्ट है यहाँ का, ये एक एक्शन कर रही है जाने का, फिर बेड पर कितने बजे, 9 बजे डेली ये रिपीट होता होगा, ऐसे एक्शन को क्या बोलेंगे, रिपीटेड एक्शन। अब यहाँ सेकेंड एग्जांपल है कि सरला टेक्स टी विदाउट शुगर। अब देखिए सरला की ये हैबिट है, हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन में आएगा कि सरला है टेक्स मीन्स पीती है, टी मीन्स चाय, कब, विदाउट शुगर, बिना शुगर के चाय पीती, यानी बिना चीनी के, ये हो गया हैबिचुअल एक्शन में। थर्ड है कि दे ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, ऑन मंडे, ये लोग हमेशा कम्स माने आते हैं, हियर मीन्स यहाँ, कब, ऑन मंडे मीन्स सोमवार को, इट मीन्स ऐसे कंडीशन को बात किया जाए तो ये हमेशा रिपीट हो रहा, आते हैं अभी कब, मंडे को, एक नियमित अंतर से दोहराया जा रहा है, ये भी रिपीटेड एक्शन में आ जाएगा। ये देखिए हैबिट है कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, जो डॉग्स मीन्स कुत्ते होते हैं वो बार्क मीन्स भौंकते हैं किस पर, एट स्ट्रेंजर माने अजनबी लोगों पर, यानी कि जो डॉग्स हैं वो अजनबी लोगों पर भौंकते रहते हैं, ये उनकी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन में आएंगे। आई वर्क 10 hours a day, एक दिन में मैं 10 hours यानी कि 10 घंटे काम करता हूँ, ये मेरा रेगुलरिटी है, रेगुलरिटी मेंटेन करता हूँ, रेगुलर एक्शन में आता है, ये भी आपका हो जाएगा रेगुलर एक्शन। सिक्स एग्जाम्पल है कि आई गेट अप एट 4 AM एवरी मॉर्निंग, आई गेट अप माने मैं उठ जाता हूँ, एट 4 AM मीन्स 4 बजे, एवरी मॉर्निंग माने प्रत्येक सुबह, ये भी रेगुलर या रिपीटेड या हैबिचुअल एक्शन में हो सकता है। तो फर्स्ट यूज हो गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल, रेगुलर या रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए यूज होता है। यहाँ तक क्लियर है? आइए अब फिर इसके बाद देखा जाए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड यूज क्या क्या, कैसी कंडीशन में कहाँ पर यूज हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लेना जरूरी है कि कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं, जी हाँ, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं जो हैबिचुअल, रेगुलर या रिपीटेड एक्शन को बताते हैं, जो टाइम को व्यक्त करने वाले कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन को बताने में यूज होते हैं। तो ऐसे एडवर्ब कौन कौन से हैं जिनका यूज ओनली सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। तो ऐसे एडवर्ब आपको दिख रहे होंगे, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑफन मीन्स अक्सर, जनरली मीन्स सामान्यता, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, यूजुअली मीन्स भी अक्सर, रेयरली मीन्स कभी कभी, हार्डली मीन्स बड़े ही कठिनाई से, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, स्कैर्सली मीन्स होता है अधिकांशतः, हैबिचुअली मीन्स आदतन, डेली मीन्स रोज, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, एवरी नाइट मीन्स प्रत्येक रात, ऑफरी मॉर्निंग मीन्स प्रत्येक सुबह, एवरी मंथ प्रत्येक महीना, प्रत्येक ईयर, वंस अ वीक माने हफ्ते में एक बार, एवरी वीक भी हो सकता है, एवरी डे भी हो सकता है, सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी,
वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ डे, थ्राइस अ वीक, थ्राइस अ मंथ, इस तरह से जितने भी टाइम को बताने वाले एडवर्ब्स हैं इन सब का यूज किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हैबिचुअल रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए। लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके सर्कल किया हुआ है, इनका भी कुछ मतलब है। जितने भी एडवर्ब्स पे सर्कल किया हुआ हुआ है, इट मीन्स जो गोले के अंदर हैं, उन सभी एडवर्ब का यूज करेंगे ट्रांसलेशन बनाते समय। ध्यान रखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद इन सब का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की बात करनी है। जितने भी सर्कल के अंदर हैं उन सभी का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद होना चाहिए, और जो सर्कल के बाहर हैं उन सब का यूज सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस का, ऐसे वर्ड का, ऐसे एडवर्ब्स का यूज सेंटेंस के लास्ट में करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इन सब का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद करना है, और बाकी हैं जो उनका सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता तो है, लेकिन कुछ कंडीशन है इनका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा, और इसके बाद का जो भी है उनका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट से लास्ट में सेंटेंस के होगा। तो आइए एक आध दो एग्जांपल देख लिया जाए जिससे कुछ और क्लियर हो जाए सब। यहाँ पर देखिए आपको कुछ एग्जांपल देखने को मिल रहा होगा कि ही जनरली कम्स हियर एट नाइट, जनरली वर्ड हुआ है देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज, तो ही जनरली कम्स हियर एट नाइट वर्ड सामान्यतः रात में यहाँ आती है। ही ऑफन डज हर वर्क इन इवनिंग, वह अक्सर डज मीन्स करता है, सॉरी हर के जगह पे यहाँ हीज होना चाहिए, ही ऑफन डज हिज वर्क, वह अपना कार्य करता है अक्सर, कब, इवनिंग में, शाम को। दे नेवर गोज टू टेम्पल, वे लोग कभी मंदिर पे नहीं जाते हैं। ही कम्स हियर ट्वाइस इन मंथ, अब ये देखिए ये वाला वर्ड है जो सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है, लेकिन जिसको इसको सर्कल किए थे वो सेंटेंस के पहले, इट मीन सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हुआ है। या दे लर्न देयर लेसंस डेली, वे लोग अपना पाठ डेली याद करते हैं, ये भी डेली नाम का जो वर्ड है सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है। तो इस तरह से कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड थे जो कि यूज हो रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो मैंने आपको बता दिया। आप उन सबको यूज करने में कोई गलती नहीं करेंगे। आगे कितने यूजेज और हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो फिर से इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, बने रहने के लिए मेरे साथ आप लोगों का दिल से धन्यवाद है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।